इस बार आईपीएल में देख सकते हैं नेपाल का खिलाड़ी, एक दो नहीं लगभग चार पांच खिलाड़ी हम लोग देख सकते हैं इस बार आईपीएल में। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, इस बार का जो आईपीएल होने वाला है 2024 का, उसका जो ऑक्शन है, ऑक्शन शायद दिसंबर के 11 या दिसंबर के अंत में हो सकते हैं। और इस ऑक्शन में जो नेपाल का खिलाड़ी है, नेपाल का एक दो नहीं लगभग 10 खिलाड़ी ऑक्शन में अपना नाम लिखवा सकते हैं। और इसमें शायद दो तीन या चार पांच खिलाड़ी भी जो इस बार आईपीएल है, आईपीएल में हम लोग देख सकते हैं नेपाल की तरफ से। अगर देखा जाए जो नेपाल टीम है, नेपाल टीम में बहुत सारा ऐसा प्लेयर है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और नेपाल का जो टीम है, नेपाल का क्रिकेट टीम भी इस वक्त बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस दे रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में। और जो 2027 वर्ल्ड कप है, 2027 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल का क्रिकेट टीम भी ऑलरेडी क्वालिफाई भी कर लिया है। और इसको देखते हुए जो नेपाल का क्रिकेट टीम है, नेपाल का क्रिकेट टीम से कुछ लोग शायद इस बार आईपीएल भी खेल सकते हैं। अगर देखा जाए जो संदीप लामेछा में पहली आईपीएल में ऑलरेडी खेल चुके हैं और उसका आईपीएल का एक्सपीरियंस भी है। जो संदीप लामेछा में है, संदीप लामेछा ने दिल्ली की तरफ से आईपीएल में भाग लिया था, बट उसके ऊपर जो रेप केस है, रेप केस लगने की वजह से जो आईपीएल है, आईपीएल से उसको बर्खास्त कर दिया था। और इसके बाद जो इस बार का आईपीएल होने वाला है, शायद इस बार आईपीएल में हम लोग संदीप लामेछा को फिर से एक बार देख सकते हैं। और इसके बाद होते हैं करण केसी जो एक ऑलराउंडर है नेपाल के लिए। और उस बार जो करण केसी है, करण केसी के ऊपर भी बहुत सारी टीम अपना दाव लगा सकते हैं। कौशल माल्ला जो एक शानदार बैट्समैन है और एज भी बहुत कम है, तो इसके ऊपर और उसका परफॉर्मेंस देखते हुए बहुत सारा टीम कौशल माल्ला के ऊपर भी इस बार दाव लगा सकते हैं। और आसिफ शेख और दीपेंद्र सिंह आर्य के तो आप लोग सब लोग जानते ही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ऑलरेडी उसके नाम है। तो शायद जो दीपेंद्र सिंह एरी भी इस बार आईपीएल ज़रूर खेलते हुए देख सकते हैं आप लोग। और जो आसिफ शेख भी बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया था एशिया कप में। और जो नेपाल है, नेपाल की तरफ से आसिफ शेख एक शानदार परफॉर्मेंस करते आए हैं, तो शायद इस बार आसिफ शेख को भी हम लोग देख सकते हैं आईपीएल में। और इसके अलावा नेपाल की तरफ से संदीप झोरा, रोहित पौडेल और कौशल भूटेल को भी इस बार का जो आईपीएल है, आईपीएल में हम लोग शायद खेलते हुए देख सकते हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं एक बात बोल देता हूँ, जो आईपीएल है, आईपीएल में ऑलरेडी नेपाल का 15 खिलाड़ी पहले भी अपना नाम लिखवा चुके थे, बट कुछ कारण से ऑक्शन नहीं हो पाया था उस 15 खिलाड़ियों का नाम। इसकी वजह से जो नेपाल है, नेपाल का कोई भी प्लेयर आईपीएल नहीं खेल पाया है। तो इस बार आईपीएल में नेपाल का खिलाड़ी खेल पाएगा या नहीं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे के जाइएगा।